के राहुल गांधी से जुड़ा ये खबर है। उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के रायबरेली पहुंचकर यहां आम सभा को संबोधित किया। दोनों ने आयोजन रैली में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और संविधान को खत्म करने का आरोप बीजेपी पर लगाया है। बता दें कि बांदा से ये खबर आपको बता दें, अगली खबर हम आप उत्तर प्रदेश रायबरेली की रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी ने कहा कि रायबरेली उनकी मां सोनिया गांधी और दादी इंदिरा गांधी की कर्मभूमि रही है। यहां से हमारे परिवार का पुराना रिश्ता रहा है। उनके परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपना राजनीतिक सफर भी यहीं से शुरू किया था। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और राष्ट्रीय सेवक संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग संविधान को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर संविधान खत्म हो गया तो पब्लिक सेक्टर में रोजगार नहीं मिलेगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, वहीं देश में गरीबों के लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। आप मेरे परिवार हो तो यहां रायबरेली के साथ हमारा रिश्ता 100 साल से ज्यादा लंबा है। हमारे परदादा प्रियंका के मेरे परदादा जवाहरलाल नेहरू ने अपने अपना राजनीतिक जीवन रायबरेली के खेतों में किसानों के साथ मजदूरों के साथ किया था। आप सोचिए 100 साल पुराना रिश्ता है। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी घोषणा में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का आश्वासन दिया था। पीएम मोदी ने बेरोजगारों का उपहास उड़ाते हुए कहा कि देश के युवाएं नाली में पाइप डालें और उससे निकलने वाली गैस से पकौड़े तले। बीजेपी ने रायबरेली में कोरोना काल के समय कुछ नहीं किया। कोरोना काल में यहां वेंटिलेटर नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, गंगा में लाशों के ढेर बहाए जा रहे थे। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोबाइल की लाइट जलाओ, थाली बजाओ जैसे काम कर रहे थे। भाई और बहनों, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, गंगा में लाशों के ढेर हैं, मगर भाइयों और बहनों मोबाइल फोन की लाइट ऑन कर दो, चमकाओ, पूरी दुनिया को दिखाओ कि हिंदुस्तान में कोविड से करोड़ों लोग मर रहे हैं। और जब लाइट ने काम नहीं किया तो फिर कहते हैं भाई और बहनों चलो भैया लाइट नहीं चली थाली बजा दो। और जनता मीडिया कह रही है वाह 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 क्या कमाल की बात करी। भाई और बहनों 6 साल का बच्चा जानता है कोविड कैसे फैलता है। सबको सड़क पे बैठा दिया, खड़ा कर दिया, सब लोग थाली बजा रहे हैं और कोविड धड़ाधड़ फैल रहा है, लोग मर रहे। मीडिया कह रही है देखो क्या प्रधानमंत्री है भैया, क्या थाली बजा दी, देखो नचा दिया लोगों को। रैली में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस अपने शासनकाल में अमेठी में राइफल AK-47 की फैक्ट्री लेकर आया था, लेकिन अभी तक इसे शुरू नहीं किया गया है क्योंकि नरेंद्र मोदी ये फैक्ट्री अडानी को देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी को लाखों करोड़ रुपए देते हैं जिससे वे उस पैसे से विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अगर हम आपको पैसे देंगे तो आप रायबरेली से सामान खरीदेंगे, यहां के बाजार में पैसा बनेगा, फिर आसपास की फैक्ट्रियों में भी काम आएगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। भाई और बहनों अमेठी में मैं राइफल की फैक्ट्री लाया था, AK-47 की फैक्ट्री लाया था। आप जानते हो फैक्ट्री आज तक क्यों नहीं चालू हुई है? क्योंकि नरेंद्र मोदी अदानी को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है, इसीलिए वो आज फैक्ट्री चालू नहीं हुई है, इसीलिए वहां AK-47 नहीं बन रही है, AK-203 नहीं बन रही है। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बचपन से राहुल गांधी को अन्याय बर्दाश्त नहीं था, उन्होंने जीवन भर न्याय की लड़ाई लड़ी, इनके जैसा निडर, साहसी और दरिया दिल इंसान पूरे देश में नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि राजनीति और जीवन में जो भी सच बोलता है उसे समाज अलग महत्व देता है। राहुल गांधी सत्य की राह पर चलते हुए रायबरेली की जनता के लिए काम करेंगे और आपकी लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी ही कन्या
कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलने वाले एकमात्र नेता हैं जिन्होंने मणिपुर से महाराष्ट्र तक की यात्रा की। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने कहा कि इस यात्राओं का मकसद देश को संदेश देना था कि हम सभी एक हैं, देश का विकास तभी हो पाएगा जब देश की एकता बनी रहेगी। कि आपके सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपके प्रत्याशी अपने बड़े भाई श्री राहुल गांधी को मैं यहां लाई हूं। इस देश में इकलौते नेता है जो 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले और उसके बाद मणिपुर से मुंबई तक उन्होंने यात्रा की सिर्फ इस देश को एक संदेश देने के लिए कि देश का जन जन भाई भाई है, कि देश में पूरी तरह से विकास तब आएगा जब देश की एकता बनी रहेगी। और सिर्फ आप सबसे मिलने के लिए, आपकी समस्याओं को समझने और सुनने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की। रायबरेली में कांग्रेस से राहुल गांधी और बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में हैं। दोनों ही नेता रायबरेली सीट को जीतने एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि मतदाता लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण 20 मई को किसके पक्ष में अपना वोट करते हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।